हेलो बच्चों, एक और हलवा क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सितंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, 2 मार्क्स। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से तो आया था। ठीक है, पूछा गया है कि बता भाई ऑर्डर और डिग्री क्या है बच्चों। ठीक है, चलिए तो पहले ऑर्डर है ऑप्शन में, बाद में डिग्री, याद रखना पहले ऑर्डर बाद में डिग्री, इसीलिए रिस्पेक्टिवली यूज किया है। ठीक है, इसका मतलब है पहले ऑर्डर बाद में डिग्री। मेरी बात ध्यान से, डिग्री बेटा उसकी आएंगी जिसकी ऑर्डर आएंगी, सिंपल बात है। ठीक, चलिए तो पहले तो ये रूट हटाना है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा। ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद इस क्वेश्चन का नजारा कुछ ऐसे बदलेगा। देखो, क्वेश्चन को जब स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ लिख लो, ध्यान देना, d2y/dx2। ठीक है, प्लस dy/dx प्लस x का होल ब्रैकेट। मुझे पता है कि मुझे डिग्री इसी के लिए नहीं है क्योंकि ऑर्डर में यही बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा, 1/d3y/dx। ठीक है, क्योंकि आपको बताना है यहाँ मैं इसका रूट हट गया, यहाँ मैंने इसका रूट हटा दिया क्योंकि जब स्क्वायर किया तो रूट हट गया इसका। ठीक, चलिए तो देखो, अब यहाँ इसकी जो डिग्री है वो 1 है और ऑर्डर 3 है, इसका मतलब 3,1 मेरा आंसर है। कौन सा, 1, 2, 3 डी वाला। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज ऐसे होता है कि भाई रूट है तो मैं ऑर्डर तो 3 लिख दूंगा बिल्कुल, लेकिन क्या मैं डिग्री 1/2 लिखूं? नहीं बच्चा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, या स्क्वायर किया तो गलती से रूट हटाने की जगह आपने यहाँ 2 समझ लिया तो इसे भी टिक मार सकते। ठीक है, नहीं पॉसिबिलिटीज को आप नकार नहीं सकते हो बच्चा। ठीक है, और दूसरी बात, बहुत से बच्चे तो इस ऑप्शन को भी टिक मार सकते हैं क्योंकि सिर्फ फर्क डिग्री ऑर्डर 1-3 है ना, लगा दो, नहीं पहले ऑर्डर फिर डिग्री, ये ऐसे क्वेश्चंस में ये बात होती है। हलवा है लेकिन हर एक के लिए हलवा नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।